और थोड़ी सी इबादत करके नफ्स आपको ये बता देता है कि आप हाशे बन गए, वो आपको ये धोखा देता है। ये वह धोखा है जो मुझे भी है और दुनिया के हर वो आदमी को जो दीन से मुंसलिक है या मामूली सा भी मुसलमान है, सबको ये धोखा है कि हम खाशे हैं। और ये थोड़ी सी इबादत करके आपको शैतान ये फ्रेब दे देता है कि आप खाशे हो चुके हैं, अब आप जाएं। उससे ये वो फ्रेब है जिस फ्रेब में फिर आदमी जब मुबतला होता है तो फिर उसके बाद जितना डेंजरस वो पहले था उससे भी कई गुना ज्यादा बाद में हो जाता है। इतना वो पहले भी जालिम होता, इतना फासिक, इतना मुनाफिक, इतना झूठा, इतना कजाब, धोखेबाज, दज्जाल और फरेबी नहीं होता जितना वो रो लेने के बाद बन जाता है। नफ्स आपको खुद ही रुला देता है। इंसानी नफ्स के शर में से सबसे बड़ा शर यह है कि वो आप पर रिक्कत तारी कर दे, गिरिया तारी कर दे, और आप उस गिरिये के बाद इतने मुतमिन हो जाए कि आपको ये लगने लगे कि अब मैं बख्शा गया हूं और अब मैं अल्लाह के करीब हो गया हूं, अब मेरी जो चेहरा है ना उस पर नूर बरसने लग गया है, अब मेरी दुआएं भी कबूल होने लग गई हैं, अब मैं जो कहता हूं अल्लाह ताला वो मेरी बात मान लेते हैं। ये सबसे बड़ा इंसान का धोखा है। अल्लाह ताला जो आप दुआ करें और वो मान ले, वो सुन ले, इससे बड़ा दुनिया में धोखा कोई नहीं है कि आदमी की दुआएं कबूल हो जाए, जो मांगे तो आप ये समझें कि मैं अल्लाह के अब करीब हो गया हूं, मैंने अल्लाह से अब मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे और मजबूत हो गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। ये मैं वो बातें आपसे कह रहा हूं जिन बातों का अमूमी तौर पर हर कोई आदमी मुतहम्मल नहीं है, ठीक है। तो ये हिकमत की तरफ का सफर इस उम्मत के बहुत से थोड़े लोगों ने किया है। अल्लाह सबकी जो दीनी खिदमात को कबूलो मंजूर फरमाए, मगर सारे सारे लोग जिन्होंने दीन के काम किए वो हकीम नहीं हुए, हकीम नहीं हुए। वो उन्हें खुशुए कामल नहीं मिला, जिसको भी मिला कोई ना कोई जर्रा मिला होगा, खुशुए कामिल नहीं हासिल हो सका। तो हकीम खुशु से, खाशे से हकीम तक का सफर बगैर तज़किया नफ्स के मुमकिन ही नहीं। जब तक आपका तज़किया नफ्स नहीं हो जाता आप खाशे नहीं बनते, और जब तक आप खाशे नहीं बनते उतनी देर तक आप हकीम नहीं बनते। तज़किया नफ्स ये एक दो दिन की बात नहीं कि आप यहां पर आ जाएं, मेरे पास बैठ जाएं, चंद दिन की सोहबत लें और आप चले जाएं, आपका तज़किया नफ्स हो गया, ये नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को वह युज़क्की हिम के जब आपने इस मामले पर आए तो आपको सहाबा कराम को दुरुस्त करते करते मक्के और मदीने टोटल जिंदगी लगा के 23 साल लग गए। वो उनको पाक करता है, पाक करता है अकायद से लेकर आदात तक। आप मेरी बात को जरा तवज्जो फरमाइए, आदात तक। आदत के बारे में ये बात आप समझ लें, ये आप लिख लें कहीं जाकर कि पहाड़ अपनी जगह से सिरक सकता है, आदत बंदे की कभी नहीं बदल सकती। वो उस आदत पे पर्दा डाल लेता है, वो उस आदत को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता है, उसकी मामूली सी शेप चेंज करके कहता है कि अब मेरी वो आदत नहीं रही। आदत चीज ही वो है आदा यहूदों से कि ये लौट लौट कर आती है, लौट लौट कर आती है। कभी इंतहाई खुशी के आलम में आ जाती है और कभी इंतहाई गमी की हालत में आ जाती है। कभी ये आपके गुस्से की हालत में आ जाती है, कभी ये गम की हालत में आ जाती है। आदत आदमी के कंट्रोल में नहीं है। ये जब औद करती है ना, ये जब लौटती है, जब छा जाती है, बंदा अपने बस में नहीं रह जाता। इसलिए आदात को तोड़ने के लिए शरीयत इस्लामिया ने जो कोशिशें की है ना, वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रसूमात जितनी भी हैं, ये सारी की सारी आदात में से ही हैं। जितनी भी आपके खानदान में रसूमात होती, कितने ही आप कहते कि मैं करते करते नेकी की राह से यकदम उस्ताजी फिर वापस लौट आया, इस हरकत को करने लग गया, सारी लड़कियों के मोबाइल से फोन डिलीट हो गए, फिर कर दिए, फिर एक दिन चस्का लगा तो एक आध का फिर क्या ऐड किया, फिर दोबारा फेसबुक से निकले, फिर दोबारा फेसबुक में दाखिल हो गए, सारे फोन बंद किए, फिर फोनों के अंदर दाखिल हो गए, सारी गाने की किस्टें जला दी, फिर गाना ही लगा लिया, सारी लड़कियों से, लेकिन एक जो अवलीन मशूका थी फिर उसी के चक्कर में, और फिर उसी के साथ शादी के बाद भी उसी के साथ रात बसर कर रहे हैं, उसी के साथ सो रहे हैं, उसी के, और जब कभी कोई एक आध शेर सुना वो आग फिर से भड़क उठी, ठीक है। ये सारी चीजें आदत है, नफ्स अपनी आदतें नहीं बदलता।
नफ्स इबादतों में लग के आपको ये गुमराही दे देता है कि तुम अब अल्लाह की इबादत गुजार हो गए हो, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ता। यह सिर्फ मुर्शिद हकीकी के पास तजुर्बा होता है कि वो आदमी को दुरुस्त कर दे। ये किताबें पढ़ने से ठीक नहीं होता। मुर्शिद को पता होता है कि मुर्शिद ने करना क्या है, मुर्शिद ने उसका करना क्या है। मुर्शिद फिर उससे बाज़ुकात वो काम कराते हैं जो उसकी तबीयत पे ग्रह होता है। वो भाग जाता है, वो काम नहीं करता। वो कहता है कि मैं नहीं ये करना चाहता था, पर उस्ताद जी ने मुझे फिर कहा। इसलिए सूफिया की बाज किताबों में वो ऐसे अहकाम देते हैं जो उस बंदे से पूरे नहीं होते। वो चेक करते हैं उसको कि आया ये आदत पर है या फिर इसने इसकी आदत ने अपने आप को अपने फॉर्मेट को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया है। ये है, इसलिए तहरीकें बर्बाद ही इस वजह से होती हैं कि लोग शुरू शुरू में जी मैं पहले गुमराह होता था, फिर मैं नेक हो गया, फिर मैं तहरीक में आ गया, फिर मैंने मौलाना इसहाक को सुनना शुरू कर दिया, मैं डॉक्टर इसरार को सुना तो मैं बदल गया, मोहम्मद अली मिर्जा साहब को सुनता बदल गया, जाकिर नाइक को सुना बदल गया, तारक जबील साहब ने मुझे बदल दिया, काशिफ साहब आपने बदल दिया, मैं तो चलो ना 3 में ना 13 च ना टोकरी दे बेरा च है, मेरे तो छोड़े ना, मैं तो ऐसे ही अपना जिक्र कर देता हूं। वो अल्लाह के बंदे आप बदल गए, आपको किसने कहा? नमाज पढ़ना शुरू कर देना और दाढ़ी रख लेनी है जी, और भागते फिरना टपते फिरना कि मैं बड़ा मुजाहिद हो गया हूं, मैं तो किसी को गाना नहीं सुनने देता घर में, मैं तो ये नहीं करने देता। आप ये 2, 4, 5, 7 काम करके आप ये समझते हैं कि मैं बदल गया हूं। ये इससे बड़ी हमाकत और बेवकूफी दुनिया के अंदर फुलिशनेस नहीं आई, जो फुलिशनेस जिसपे जिसके ऊपर आप कर बंद है, जो आपने अपने दिल में जमा ली है। इसलिए मेरे अजीजों, ये कभी ना कहो मैं बदल गया हूं, ऐसा नहीं हो सकता। बदल जाना कोई आसान काम नहीं है। संग का मोम हो जाना और मोम का संग हो जाना, ये दुनिया के अंदर कभी आपने होते देखा नहीं कि पत्थर पिघल गया हो और मोम पत्थर बन गया हो। बदल जाना इस चीज का नाम है कि आप पानी थे आप खाक हो गए, आप खाक थे आप हवा हो गए, आप हवा थे आप आग हो गए। तो जब ये अनासर नहीं बदलते तो आप कहां से बदल गए? इसलिए वहम, ये बेवकूफी, ये गुमान और ये ख्याल अपने दिल में पाल लेना कि मैं बदल गया हूं, ये नहीं हो सकता। मैं कुरान पढ़ने लग गया हूं, ये हो नहीं सकता। ये बहुत मुश्किल है। ये नफ्स का वो फरेब है जो आदमी पर जब मौत का वक्त आता है, फरिश्ते लेने आते हैं ना, ये उस वक्त खुलता है, उस वक्त उसको पता चलता है, ओहो ये जो अब फौज आई है मुझे लेने के लिए, ये रहमत के फरिश्ते आए हैं या दोजख के दरोगे आ गए मेरी जान निकालने के लिए, और उस वक्त तक आपके पास वक्त खत्म हो चुका होता है। इसलिए अपने नफ्स से बेखबर ना रहें, ये बात आपको समझानी। आए आप दूसरी तरफ चलते हैं। तो खुशू एक वाहद जरिया, वाहद रास्ता है जो हिकमत के खजाने को तक जाता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दुनिया के अंदर, कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। जैसे आपको बताते हैं कि फलां जगह एक सोना या चांदी या जवाहरात की एक देग दबी हुई है, तो आपको पता है कि वो फिर सफर करने के लिए पहाड़ों से और सब जगहों से गुजरता है। उसके लिए नक्शा लाजिम होता है कि असल मुकाम तक तो पहले पहुंचा जाए। वो इहदिन सिरातल मुस्तकीम जो है वही सीधा रास्ता है, मगर इंसान की तबीयत चूंकि टेढ़ पसंद है, उल्टी सीधी है। जब तक इसको टेढ़ा रास्ता ना दिखाया जाए उतनी देर तक ये सीधे रास्ते की कदर ही नहीं करता। मसलन मैं किसी के पास 24 घंटे दस्तयाब हूं तो वो मेरी कदर ही नहीं करता, वो मेरी अहमियत ही नहीं रखता। ठीक है, जब तक कि मैं टेढ़ा ना हो जाऊं उतनी देर तक, समझ गए। तो दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं वो सीधे रास्ते पर होते हैं, लेकिन दुनिया टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जाके अपने मुर्शिद ढूंढती है। आपको मैं जल्दी अवेलेबल हूं, जल्दी मिल लेता हूं, आप कहते ये भी कोई पीर है, ये भी कोई मुर्शिद है, ये भी कोई रहनुमा है, ये भी कोई इमाम है, ये भी कोई हादी है। इस तरह के तो बाजार पे कई फिरते। आपको चाहिए वो आदमी, वो पीर, वो रहनुमा, वो हादी जो आपको टेढ़ी राहों का बताए, लंबे लंबे मुजाहिदे, गलत किस्से, बातें, आपको कई हद लाखों दफा की तस्बीहां। अगर मैं बताऊंगा तो वो आप नहीं मानेंगे। जितना हकीम आपको 10 रुपए की दवाई देगा
आप उसको हकीम और डॉक्टर समझेंगे नहीं, जब तक कि वो डॉक्टर हकीम अपनी फीस बढ़ा नहीं देता, बड़े क्लिनिक में बैठ नहीं जाता, आप उसके हाथ से लुटते ही नहीं, आप लुटने का शौकीन ही उधर है कि जो आदमी आपको टेढ़ी मेढ़ी राहों पे और गलत चीजें खिला के आपकी मत मार दे, आपका कीदा फौरी तौर पर उस आदमी पर बन जाता है। जो आदमी आपको यह कहता है कि तुम पर किसी ने जादू किया हुआ है, आप फौरी तौर पर उसका तोड़ करवाते हैं। आप उसके मुकाबले में एक आलम दीन आपको समझाई जाए कि खुदावंद आलम के साथ लो लगा, जादुओं को काटने वाली वो जात वाहदहू ला शरीक है, समझ गए। आपको कितना ही आदमी समझाए कि तुम एक नमाज तहज्जुद किस तरह पढ़ लो, लेकिन आप कहते नहीं मुझे कोई लंबा मुजाहिदा करा। ये है वो चीज जो इंसान की टेढ़पन उसके अंदर पैदा करती है। तो असल चीज ये है कि वहद हिकमत का खजाना कैसे हासिल होगा, जब तक खुशू आपके पास नहीं आएगा। अब खुशू क्या है, कुरान मजीद ने बहुत कहा है, अल्लाह ने कहा कि ये जो नमाज है वह इन्ना लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, नमाज तो है तो बहुत वजनी बोझ एहसास जिम्मेदारी जो लोग भागते हैं, मगर खाशीन ऐसे हैं कि वो नहीं इससे भागते, वो इस बोझ को उठाते हैं। तो खुशू का असल माना यह है कि आदमी आपके अंदर आजजी और तजल्लुल, अल्लाह के सामने जलील हो जाना, निकाह झुकी हुई हो तो उसके अंदर भी खुशू, उसको कहते हैं ये खुशू वाली निकाह है। आवाज जरा पस्त हो तो इसको भी खुशू वाली बात कहते हैं। तो अल्लाह ने खाशे ईना वल खाशे आत, डरने वाले मर्द और डरने वाली औरतें नहीं, इसका मतलब है कि रब के आगे हमेशा के लिए झुक जाने वाले मर्द और झुक जाने वाली औरतें, इसकी बिल्कुल मुखालफत में आप पूछे तो क्या है, इस्तकबार है। तो जितनी भी दुनिया के अंदर ये मसाइल हैं, अल्लाह ने खाशे ऊन का जो लफ्ज कुरान मजीद में बोला है, वहां खाशअतिल अस्वात भी है कि अल रहमान के सामने क्यामत के दिन आवाजें दब जाएंगी, कोई आवाज उठ नहीं पाएगी, कोई पीर पैगंबर खुदा के सामने बोल नहीं पाएगा उसकी इजाजत के बगैर, इल्ला बिइज़्निह, कोई नहीं बोल सकता उसके सामने, अल्लाह रहमान के सामने दब जाएंगी, कौन है जो रहमान को कहे। तो कुरान मजीद में आता है कि कुछ क्या है, वजूह ही यौम इज़िन खाशिया, क्यामत के दिन कितने ही चेहरे उस दिन उतरे हुए होंगे, पस्त और उदास होंगे, गिरे हुए होंगे वो लोग, ठीक है। तो यक्षल्लाह क्या है कि वो अल्लाह से डरता है, इसका मतलब ये है कि ये दिल पर एक ऐसी हालत तारी होती है जिसमें दिल अल्लाह की जानब पूरा जो है झुक जाता है, उसको खुशू कहते हैं। खुशू कैसे हासिल किया जाता है, ये खुशू एक नूर है, ये दरवाजा है, बिल्कुल जिस तरह ये एक दरवाजा है, ये खुशू का दरवाजा है, ठीक है। तो हिकमत का जो दरवाजा है वो खुशू के जरिए से खुलता है, जब तक आप खुशू का जोर नहीं लगाएंगे उतनी देर तक हिकमत का नूर का दरवाजा आपके ऊपर नहीं खुल सकता, आपको कुरान समझ आ ही नहीं सकता। आप रोजाना तफहीम पढ़ें, तदब्बुर कुरान पढ़ लें, उसके बाद भी आप गुमराह ही हैं। आप जाकर देखें जो लोग अपनी अपनी जमातों में तफसीरी काम पढ़ाते हैं, अब मैं नाम लूंगा तो फिर बदनाम हो जाऊंगा, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जो मुल्की सियासत में भी बड़े दाखिल हैं और जो मतलब मुख्तलिफ तंजीमों के अंदर भी हैं, सबके अंदर यही है। उनके सारे अफराद को आप देखेंगे, दाढ़ियां रखी हैं, टोपियां गज बार की नीचे से शलवार ऊपर और गज बार की दाढ़ी नीचे, ठीक है, इधर से बाल नीचे, उधर से शलवार ऊपर, ऊपर से टोपियां वास्कटें पहनी हुई हैं। देखते ही हुलिये के अंदर आपका दिल दहल जाएगा कि अल्लाह जाने ये हजरत खिजर कहां से तशरीफ ले आए हैं, हजरत खिजर लगते हैं सूरतों से, लेकिन उनके अंदर हकीकी खुशू नहीं है, वो झूठी आजियां करेंगे इस तरह हाथ बांध के, जी जी जैसे आपने फरमाया बेहमदिल्ला ताला बेहमदिल्ला, शुक्र है अल्लाह की जात का, मैं तो अल्लाह का शुक्र कुर्बान, ये सारे झूठ होते हैं। ये इसका ताल्लुक आजजी का सिर्फ दिल के साथ है, वो दिल के बारे में अल्लाह तय करते हैं कि आया ये खुशू हकीकी था या खुशू आर्जी और झूठा फ्रेबी खुशू था। ये फ्रेबी है, सारे जितने भी खुशू दुनिया के अंदर नजर मेरे अंदर आए
ये आपको नजर आए, मुझे ही आप निशाना बनाया करें, किसी और को आपने क्या बनाना है, छोड़ें, किसी और का नाम आप लेंगे तो फिर आप लोग गुमराह हो जाएंगे और वो आपकी दुश्मनी पर उतर आएगा। मैं ये अपना कहता हूं, मेरे अंदर भी आपको इस तरह का खुशबू नजर आता है तो मेरे अंदर के शैतान को आप अभी नहीं जानते, ये तो अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है कि आपको मैं नेक और मुत्तकी और परहेजगार नजर आता हूं और हकीकत में एक अल्लाह का बड़ा नाफरमान आदमी। तो खुशबू को समझने की कोशिश करनी है, खुशबू समझ नहीं आएगा आप हकीम नहीं हो सकते, खाशिये से हकीम तक का सफर तय आप कैसे होता है। खुशबू को हासिल तीन चीजें आप देखते जाए, मैं चीजें गिनवाता जाता हूं। खुशबू के लिए खाशे सबसे पहले जो काम करता है, पांच नमाजों को छोड़ दे, सबसे पहले खाशे बनने का तरीकाकार क्या है कि तहज्जुद की नमाज को पूरे नशात के साथ अदा करना, पहली चीज ये है। नशात समझते, खुश दिली के साथ। अब नशात तीन तरह का है, पहला है नशाते बदनी कि जिस्म पूरा टोटली आपका दुनियावी थकावट से पाक हो, कोई जोड़ बंद में दर्द ना हो, पुरसकून जिस्म। और वो पुरसकून जिस्म किस तरह आपके हाथ आएगा उसको आपको देखना है कि कैसे आपने करना है, उस जिस्म को कैसे पुरसकून आपका हाथ आएगा। हकीकी थकावट उस वक्त आपकी दूर होती है कि जिस तरह के आप अपने रहन सहन को कामल तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बनाना होगा, नबी अलैहिस्सलाम की तरह बनाना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह जितने बजे रात को सोए थे उतने बजे आप सोएंगे, और जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम उठे थे उस वक्त आप उठेंगे। और इसमें वो दिन में, अब यह है रात, और दिन में वो काम सार अंजाम देना जो नबी अलैहिस्सलाम ने सार अंजाम दिए, और वैसे ही सार अंजाम देना दुनिया के कामों को जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सार अंजाम दिया। ये असल चीज सबके अंदर, इसके अंदर है। और इसमें रिज़्क़े हलाल पहले नंबर पर आ जाता है कि रसूल ने दिन में रिज़्क़े हलाल तलाश किया है, रिज़्क़े हराम नहीं। कितना जितना रसूलुल्लाह ने रिज़्क़ ढूंढा उतना रिज़्क़ आपको ढूंढना पड़ेगा, आप अपनी जरूरियात के मुताबिक नहीं ढूंढ सकते। आपके पास जरूरियात का रिज़्क़ मौजूद है सबके पास, आसाइशात का और ख्वाहिशात का रिज़्क़ जो है वो आप उसकी तलाश में सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं आप, ठीक है। और रिज़्क़े हलाल, और रिज़्क़े हलाल प्लस सिदके मकाल, रिज़्क़े हलाल तलाश करना है मगर सच के जरिए से, सच बोलकर, झूठ बोलकर नहीं। रिज़्क हलाल ही है लेकिन आपने बिल्कुल सही सौदा बेचा, जो उसने रुपये आपको दिए और जो रुपये आपने उससे लिए, ना आपने धोखा दिया ना उसने दिया, मगर आपने कसमें उठा उठा कर सौदा बेचा, मगर आपने चक्कर पूरा चला के इधर उधर से गेड़ा गूड़ा दे के चक्कर चला के उतने रुपये पर आप उसको ले आए, उसके लिए आपने 37 झूठ बोले और बोलने के बाद 38वीं बार वो मनवा लिया आपने उसको, अपनी कारकर्दगी, अपनी फन, अपनी महारत से आपके मुंशियों ने, आपने, आपके नौकरों ने, आपकी बीवी ने, आपके बच्चों ने मिल मिला के ऐसा जाल बुना उस कस्टमर के लिए कि वो फंस गया। आपके पास सच नहीं था, आपको सच बोलने की तरगीब ही नहीं दी जाती, आपको झूठ बोलने की तरगीब, झूठ और मकर और फ्रेब से गाह को घेरना सिखाया जाता है। आपकी खराब चीज पर आप मानते नहीं ये खराब हुई है, आप उस पर जरा करना शुरू करते थे कि तुमने कैसे मेरी चीज को खराब कह दिया, उसको कायल करते हैं कि ये तो मैं सोना बेच रहा हूं, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि बाजार में मेरे जैसा सर्राफ और सुनार बैठा है, वरना मैं छोड़ दूं आज तो कल तुम्हें सही तौर पर चीज देगा कौन? ये तो हम हैं जो यहां पे बैठे हुए हैं, और वो भी अल्लाह को के लिए, खिदमत खल्क के लिए। वी प्रोवाइड यू जस्ट ओनली आर सर्विस, हम तो खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। ये वो झूठ हैं जब आप ये बड़े टका कर बोलते हैं पब्लिसिटी के लिए, जो मगरिब ने आपको सिखाए हैं और जो शैतान ने आपको सिखाए हैं, जो नफ्स ने आपको फरेब देकर सिखाए। आप इससे अपना सिदके मकाल नहीं सब बोलते तो रिज़्क़े हलाल आपका रिज़्क़े हलाल नहीं रहता। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा
आदमी कस्मों के जरिए से सौदा तो बेच लेता है, एतबार बना लेता है, साख बना लेता है, गुडविल बना लेता है, लेकिन सरकार ने फरमाया सौदे की बरकत से महरूम हो जाता है। अब जरा सोचे कि सौदे के अंदर एक बरकत थी, वो निकल गई, नफा रह गया, बरकत निकल गई। अब जरा फर्क करना सीखे मुझसे, नफा रह गया, सौदे ने नफा दिया, आपने 10 की चीज 20 पे बेच ली और जो था दिखाई वही बेची, ज्यादा नहीं लिया, मगर उसके अंदर जो खुदा वाली चीज थी वो उठ गई, उसका नाम बरकत था। अब वो नफा तो हुआ, लेकिन अब वो नफा कहां कहां लगेगा? टूटी हुई टांग पर, बीवी पर, बच्चे पर, मोटर जल जाएगी, फ्रिज जल जाएगी, कोई चीज ईंट टूट जाएगी, रस्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, अम्मी की दुआई पर, अब्बू के, वो रहेगा नहीं नफा, वो बाबरकत नफा नहीं था। बाबरकत नफा ऐसा होता है जो किसी भी मुसीबत को रोक लेता है, जैसे सदका रोक लेता है, ऐसे बाबरकत नफा हर चीज को रोक लेता है। मेरी बातें बहुत कम समझ आएंगी आपको, बड़ी माजरत के साथ, आप भले जैसे मर्जी ही तकलीफ में हो मेरी बातें सुनकर, संजीदगी खुशकी से, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो है ही यही कुछ, मैं क्या करूं, ठीक है ना। मैं, मुझे आपकी तकलीफ का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि मुझे मिंबर का एहसास है, मैं तो मिंबर को देखूंगा, मैं तो इस अल्लाह के कलाम को देखूंगा, मैं तो उस बादशाह की उस अता को देखूंगा जिसका मुझे देकर कहा गया कि ये बात जाकर समझाओ, भले उनको समझ आती या नहीं आती, क्योंकि समझ का ना आना बड़ी बात नहीं है, समझ आ रही है मगर वो ड्राई है, इतनी खुश्क है, वेट नहीं है, तरी नहीं है बात के अंदर, तो वो लग रहा है कि यार ये कैसे निकले, कड़वी है थोड़ी सी, निकलनी तो पड़ेगी, मैं क्या करूं, खुशी के लिए तो कुछ मैं जितनी आसान हो सकती समझा सकता हूं। पहली चीज बदन की थकावट, तो बदन की थकावट से निशाते बदनी होनी चाहिए तहज्जुद पढ़ने के लिए। आइए अब दूसरी चीज, निशाते ज़हनी, दिमाग का के अंदर से दीन के बारे में कोई वसवसा और कोई शुबा नहीं होना चाहिए, अल्लाह के बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि ये क्या मुसीबत अल्लाह ने डाल दी तहज्जुद की नमाज, अल्लाह पता नहीं सुनेगा भी ये नहीं सुनेगा, अल्लाह पता नहीं हमें मेरी सुनता भी ये नहीं सुनता, पता नहीं मानता भी नहीं मानता, रजी तो बिल्ला ही पर वो पक्का नहीं हो सका। दीन के बारे में शुबे होंगे तो वो आदमी जो है वो कभी भी तहज्जुद निशाते ज़हनी नहीं पाएगा। अब आए तीसरी चीज, निशाते कल्बी, अगर दिल में राहत नहीं है, दिल में सुरूर नहीं है, अल्लाह के दीन की मिठास नहीं है, हलावत नहीं है, और शहवात हैं, औरतों के ख्यालात हैं, काम के ख्यालात हैं, मनसब और ओहदे के ख्यालात हैं, ठीक है, वो दिल के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। तीन चीजें तहज्जुद की नमाज के लिए लाजिम है। अब आइए दूसरी चीज, दूसरी चीज वो है कि इसके अंदर तहज्जुद की नमाज के अंदर आपको मुनाजात करनी पड़ेगी अल्लाह की बारगाह में। क्या करनी पड़ेगी? मुनाजात। जैसे मेरी एक छोटी सी मुनाजात तो बहुत सी हैं खाशीन की, मुझे ये यहां पर एक अपनी दुआ याद आ गई, तो दुआएं मेरे पास बड़ी हैं, मैं बस एक ही चीज जिंदगी में तलाश में रहता हूं, पूरी जिंदगी मैंने गुजार दी, वो मैं जब बच्चा था ना उस वक्त से लेकर आज तक, आप ये देखें कि जब मुझे नई भी दीन की समझ थी ना उस वक्त भी, यानी बहुत कम समझ थी, बच्चा था मुझे, मैं बस ना अल्लाह ताला को मनाने के तरीके तलाश करता हूं, मैं उसे अपनी बात मनवा लूं, बस मुझे ये शौक है, मेरी ये लगन है, यही मेरा टेस्ट है, जो मैंने आज तक पढ़ा, जो मैंने आज तक देखा, जो मैंने किया, जो मैंने पापड़ बेले, कम किए ज्यादा किए, मुझे अल्लाह ताला को मनाने का बहुत शौक है, अल्लाह मेरा बादशाह है, मैं उसका गुलाम हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बादशाह से बातें करूं, बादशाह मुझसे बातें करे, बादशाह मुझे हुक्म दे, मैं भाग कर जाके बादशाह के वो काम करके आऊं, फिर बादशाह मुझे इनाम दे, मैं बादशाह से हम कलाम रहूं, मेरे दिल में बादशाह रहे, मैं बादशाह की बारगाह में बैठा रहूं, बादशाह के दरबार में मेरी रसाई पूरी होनी चाहिए, मैं करीब होकर बादशाह के बैठूं
और मैं उस पर फख्र करूं, मैं उस पर अपना पूरा प्राउडीनेस फील करूं, मुझे ज्यादा ये अच्छा लगता है और मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। उसके लिए कुटिया हो या महल, मुझे बादशाह चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो अल्लाहुम्मा इलाही, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह मियां। देखें मियां का लफ्ज देहलवी जबान में, दिल्ली की उर्दू में साहिब के लिए बोला जाता है, बाइज्जत आदमी के लिए बोला जाता है। यहां मियां आप किसी और को कहते हैं वहां की जबान में, ठीक है। व इलाह इब्राहिम व इसहाक व याकूब, वो रब जो हजरत इब्राहिम इमामुल मुआहिदीन सैयदुल मुआहिदीन का रब है, जो हजरत इसहाक का रब है और जो हजरत याकूब का रब है। व इलाह जबरील व मीकाईल व इसराफील, वो जबरील जिससे इतना बड़ा कि जमीनों आसमान उससे भर जाते हैं, वो 300 हाथों वाला जबरील परों वाला उसका, और मीकाईल और इसराफील। असालुका अंतस्तजीब दावती, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी बातें जो मैं आपसे करता हूं कुछ मांगने वाली, उनको आप सुन लिया करें। और फइन्नी मुस्तर, मैं बहुत इस्तराब में रहता हूं। व तासी मानी फी दीनी, मुझे मेरे दीन के मुतलक अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखें। फइन्नी मुब्तलायन, क्योंकि मैं तो बहुत चीजों में मुबतला हूं, बलाओं में मुबतला। व तनालनी बिरहमतिका फइन्नी मुज़निबुन, मुझ गुनागार को अपनी रहमत के अंदर गोते दे लें। वतन फी या अन्नी अल फक्र फइन्नी मुतमस्किनुन, मुझ फकीर को जो आपकी बारगाह में खड़ा है इस तरह से रजा दें कि फिर मुझे भूख ना किसी किस्म की हो। हस्बी अल्लाह लदीनी, अल्लाह मेरे दीन के लिए काफी है। हस्बी अल्लाह ले दुनिया या अल्लाह मेरी दुनिया के लिए काफी है। हस्बी अल्लाह लीमा अहम्मनी, जो मेरे अंदर गुमान चलते हैं उनको भी कता करने के लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। हस्बी अल्लाह लिमन बगा अलैया, वो जो मेरे अंदर शहवात जन्म लेती हैं और मुझे बगावत पर मादा करती हैं, अल्लाह उनके लिए तो काफी हो जा। हस्बी अल्लाह लिमन हसदनी, जो मुझसे हसद करते हैं खुदावंदा उनके मुकाबले में तू मेरे लिए काफी हो जा। हस्बी अल्लाह लिमन कादनी बेसुइन, जो मेरे खिलाफ साजिशें बनाए मुझे उलट देने की कोशिश करें उनके लिए तो काफी हो जा। हस्बी अल्लाह इंदल मौत, अल्लाह जब मुझे मौत आए तो तू मेरे लिए काफी हो जा। हस्बी अल्लाह इंदल मसालति फिल कब्र, जब कब्र में मुनकर नकीर आके सवाल करें उस वक्त भी तू मेरे लिए काफी हो जा। हस्बी अल्लाह इंदल मिजान, जब हशर के दिन तराजू जुड़ जाए और अमल नामा तोलने के लिए तू खुद आ जाए उसके अंदर मेरी हामियों में। और हस्बी अल्लाह इंदल सरात, पुलिस सरात पर तू मेरी उंगली पकड़ के गोदे रहमत में उठा के ले जाए मुझको। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु व अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब, अल्लाह तू मैं तुझ पर अपना तवक्कल कर चुका हूं कि तू एक वाहदहु ला शरीक है, जब भी मुड़ू मैं तेरी जानब मुड़ू, किसी गैर की तरफ ना मैं देखूं। ये मुनाजात है, जब तक आप ये मुनाजात अल्लाह को पुकारेंगे नहीं और अल्लाह ताला से आप कहेंगे नहीं कि या अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, आप किस तरह से आपको खुशबू आ सकता है। ये एक छोटा सा हिस्सा है मुनाजात का, मेरे पास ढेरों मुनाजात हैं लेकिन मैं इसलिए वो सामने नहीं आपके पढ़ता, एक तो मेरा अपना दिल बड़ा रकीक है, दुआ को वैसे भी पढ़ दूं तो मेरा दिल रकीक हो जाता है, पतला, आंखों से मुझे आंसू जारी हो जाते हैं, मुझे अपने मजमे में रो देने के ख्याल से, कि फिर वो रो देना भी एक तमाशा है लोगों के सामने रोना, है बड़ा, ये भी बड़ी चीज है, बड़ा डफांग है ये भी। हाँ, तो वो बड़ी दुआएं हैं लेकिन दुआ तो वो है जो दिल से निकले, दुआ वो है, मुनाजात होती वो है जो आप ईजाद करें। आप अपनी डायरी में लिखें कि ये मेरी जाती मुनाजात है। आप हमारी डायरियां मौलवियों की डायरियां ले ले पढ़ते हैं, है? आपको क्रिएट नहीं करना आता, कि मुझे क्रिएट नहीं आता करना ना, तो वो जो जहन में इतने गंदे गंदे ख्यालात क्रिएट करते हो, गुनाहों की दुनिया जब बात करते हो, वो कौन आपको तखलीक करके देता है, वो भी तो तुम ही करते हो, तुम ही करते हो। हदीस में आता है कि आदमी के साथ एक जिन भी लगा हुआ है शैतान,
और एक फरिश्ता भी। आदमी दोनों दोनों में से जिसको भी ताकतवर कर लेता है वो उस पर हावी होके गलबा पाके उसको उसी चीज की तालीम देना शुरू कर देता है। अगर आप अपने फरिश्ते को मजबूत करेंगे दिन रात इबादत करके तो आपको ऐसी ऐसी मुनाजात उतरेंगी कि आप दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे ये मुनाजात तो किसी किताब में नहीं है, लेकिन अगर आप इसी शैतान को बुरे काम कर करके मजबूत कर लेंगे वो फरिश्ता कमजोर हो जाएगा। फिर आप ऐसे ऐसी गंदी हरकतें ईजाद करेंगे कि शैतान भी उस वक्त अलग होकर बैठ जाएगा कि ऐसा तो गुनाह मैंने भी नहीं सोचा था जैसा तुम कर रहे हो। ये वो चीजें मुनाजात। इन मुनाजात के अंदर हकीकी आंसू डालें। ये आंखें जो आपने देख रखी हैं, ये जो सारे गुनाहों का मजमुआ ये आंखें ही तो हैं। कोई आपकी आंखों की तारीफ कर दे कि आपकी आंखें बड़ी हसीन है, तो आप फिर किस चक्कर में आ जाते हैं? किसी चक्कर में आ जाते हैं। जालिम जो उसने बताया है वो ये बताया है कि तेरी ये आंखें जो हसीन हैं दरअसल बदकारी के लिए तू मेरे साथ मादा हो जा। कोई लड़की आंखों की तारीफ कर दे तो बच जाए इससे, कोई लड़का आंखों की तारीफ कर दे तो बच जाए इससे। यही गुनाह का पहला जरिया है, यही गुनाह का आखिरी जरिया है। इसके अलावा दुनिया में कोई आंख कोई जरिया नहीं है। आप गंदी फिल्म कानों से देखते हैं? आप कान से ख्यानतें करते हैं? ये आंख ही ख्यानत कराती है आपको, समझ गए? आप बड़े आराम से पूरा जायजा लेते हैं और उसके बाद इधर मुंह फेर लेते हैं कि मैंने बड़ा हाजी हूं। ये ना करें। ये आंख जो कुछ कराती है ना, इस पर किसी दिन इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, बात लंबी होती है। और उसके बाद दो चीजें कांपनी बहुत जरूरी है। कुरान कहता है कि खाशीन के लिए दो चीजों का कांपना बहुत जरूरी है, एक जाहिर में और एक बातिन में है। जाहिर में तो कुरान कहता है कि अगर कुरान पढ़ के और मुनाजात करके और आंसू बहा के तुम्हारी वजह ये जिल्द नहीं कांपती, झुरझुरियां नहीं आती बार बार अल्लाह के खौफ से, झुरझुरियां नहीं आती बार बार, ये कांपे ना अपनी जगह से, हिले ना। बोटी बकरे की बाजाफा जिबा करते पड़ी ऐसे ऐसे हिलती, किसी ने देखी हो तो, वो कटने के बाद भी हिलती है। या आपने देखना है तो छिपकली की दुम काट दे, वो उसको तड़पता हुआ देखिए छिपकली की दुम किस तरह कटने के बाद हिलती है। अगर आपकी खाल नहीं ना हिलती, कुरान मजीद में खाल का जिक्र आया है, ये खाल नहीं जब तक आपकी हिलती उतनी देर तक आपको आप समझ लें कि खुशबू आप पर तारी नहीं हुआ। दूसरी चीज जो कुरान मजीद ने कहा था वाकई वाजलत कुलूबहुम, अल्लाह कहते हैं कि दिल कांपे अंदर से, आवाज धक धक धक, जैसे गुनाह में अचानक पकड़ा जाता है तो दिल धक 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 धक। अंदर जना हो रहा था, ऊपर से पुलिस आ गई, अब्बा जी भी साथ आ गए, मोहल्ले के मौलवी साहब भी आ गए, सारे इकट्ठे हो गए, बेटी भी साथ ही है, जवान बेगम भी है जिसका एतबार टूटा है, सारे इकट्ठे होकर कह रहे दरवाजे तो खुले, अंदर क्या हो रहा है? आप नंगे हैं और आपको कपड़े नहीं मिल रहे। उसमें फिर देखें दिल की धड़कने आपकी और उसकी सबकी किस तरह से पड़ी हुई होती है। आप जरा सोचें, गुनाह के लोगों के पकड़े जाने के खौफ से दिल के धक 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 होता है। गानों में तो दिल धक 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 की बातें करते हैं ना, ये जब पकड़े जाने का खौफ जो धक धक करता है, हिले दिल खौफ आए, ये है धक धक। अगर आपका दिल नहीं करता, आपका दिल और खाल नहीं कांपी, आपने झूठी मुनाजात की है और दो नंबर आंसू बहाए हैं, उठाएं और इनको ले जाएं, उठाएं और उनके ले जाएं। और फिर ये है कि ये तो हो गई आपकी जाहरी चीजें, ये आप तहज्जुद अदा कर रहे हैं, ये क्या हो गई आपकी जाहरी चीजें, ये जाहरी चीजें हो गई। और आपने इस जाहरी चीजों से अब करना क्या है, अब बातिन में आ जाए। तीन चीजें ये थी, तीन ही अब आगे बताने लगा। एक अल्लाह का खौफ कि पकड़ा गया तो क्या होगा, जो किए हैं गुनाह उस पे पकड़ा गया तो क्या होता, और उस वक्त को गुनाह के वक्त को याद करना कि अगर मैं ऐन जना करते हुए ऊपर लेटे की जान निकल जाती तो मैं कहां होता, अगर मैं शराब पी रहा होता तो क्या होता, अगर हराम का माल खा रहा होता तो क्या होता, किसी गुनाह में मुलव्वस होता तो क्या होता,
झूठ बोलते बोलते ही जान निकल जाती तो क्या होता? झूठ बोलते बोलते ये भी कोई काम नहीं है, झूठ बोलना जना करने से काम नहीं है। झूठ बोलते बोलते फरेब दे रहा था जब जान निकल गई। हदीस शरीफ में क्या आता है कि क्यामत के दिन में होगा क्या, क्यामत यूं आएगी कि आदमी, मौलाना इसहाक मरहूम में जब छठी क्लास में था तो उन्होंने, मैंने कहा क्यामत कब आएगी, कहते कब तो बात की बात है, क्यामत आएगी यूं। अब देखें मौलाना ने मेरे सवाल का जवाब कह दिया छोटे बच्चे का, आपका भी इसमें लाखों मसले हल हो सकते, मेरा तो हो गया था उसके बाद नहीं, मेरा मसला मुझे तो वो एक जवाब देते थे फिर बाद सारे मसला हल हो गया खत्म, मैं तो उसके बाद करता ही नहीं था कोई बात, अल्लाह ने मुझे इतनी तो अकल दी थी, अब आप बेवकूफ हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो मैं ला के दे सकता, हाँ कहीं अकल बिकती होती तो मैं जंग बाजार से ला के आपको दे देता, वो काफी तादाद में वहां मैसर है, किसी मंडी शंडी में जाता कोई मंगवा लेते, कहते किसी बैरी जहाज भेज दें, शिप के जरिए से अकल आई हुई है वो जनाब जिस जिस भाई ने लेनी आके ले जाए। मैंने कहा क्यामत कब आएगी, कहा क्यामत को छोड़ो, क्यामत आएगी कैसे वो सुन लो मुझसे, इस तरह होगा कि आदमी पैसे दे रहा होगा और थान कपड़े का वसूल कर रहा होगा, आदमी अपने जानवर को ले जाके हौज पर पानी पिला रहा होगा और जानवर पी रहा होगा और वो खड़ा तक रहा होगा, साइकिल चलाने वाला साइकिल चला रहा होगा और गाड़ी वाला कागान जा रहा होगा, हाँ, और बिजनेस मीटिंग चल रही होगी बिजनेसमैनों की और मिले काम कर रही होंगी, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के मरीज का धक धक करने वाला दिल चेक कर रहा होगा और मरीज के इंजेक्शन लग रहा होगा, अम्मी रोटियां पका रही होंगी, बच्चे बैठे खा रहे होंगे, हाँ जी, मर्द तैयारी कर रहा होगा जाने की और नौकर साहब की गाड़ी निकाल रहा होगा, हल चल रहा होगा और मोटर चला के टैंकी पानी की भर रही होगी, सारे तैयार होके एक फंक्शन पर जाने का पर जा रहे होंगे और उधर दुल्हन तैयार हो रही होगी और दूल्हा बारात ला रहा होगा, मार्की में प्रोग्राम चल रहा होगा, जश्न हो रहे होंगे, अजाने हो चुकी हो, सारे काम हो ही रहे होंगे कि सूरह इसराफील फूंक दिया जाएगा और की पूरी जमीन उखाड़ कर कायल मनफूश ऐसे कर दी जाएगी जैसे एक धनिया एक जुल्लाहा रुई को धुन रहा हो। कहते ये अचानक आएगी काशिफ मियां, मौत जैसे अचानक आती, क्यामत और मौत दोनों की नाम बदले हुए हैं, आना दोनों में एक तरीके से ही है, क्यामत और मौत, मौत का नाम क्यामत और क्यामत का नाम मौत, वो भी वक्त खत्म हो जाएगा और वो भी वक्त ही खत्म हो जाएगा, अमाले सालिया करने का टाइम ओवर, स्टॉप राइटिंग, डोंट राइट, टाइम इज ओवर, खत्म, आप निकल जाएंगे। कहते मियां इस तरह आएगी, इस तरह के अचानक कामों को करते हुए गुनाह के करने की बजाय नेकी करते रहना ताकि किसी ना किसी वक्त में अगर मौत आ भी ले तो नेकी में ही आ जाए। क्या फलसफा क्यामत का उस्ताद जी ने समझाया, मेरे करने का काम क्या है, क्यामतों को पूछने, हिडन डेज आ रहे हैं, हैं जी लास्ट डेज आ रहे हैं, हैं जी शाहद मसूद प्रोग्राम कर रहा है, क्यामत कब आएगी, मौलवियों के बयान हो रहे हैं, इस ये वो गैर हकीम बयान है, ये हिकमत का वाला जवाब था जो उस्ताद ने मुझे दिया, ऐसे ही उस्ताद पर मैं फरेफ्ता नहीं हुआ था, उस्ताद अपने इल्म के हुस्न में अखीर कमाल को पहुंचा हुआ था, इसलिए तो दिल दे बैठा मैं, समझे, हिकमत के जवाब एक हकीम ने एक आमी को दिए, आज वो आपके सामने बैठा हिकमत की बातें कर रहा है, हा? ये तो उस्ताद जी के चराए हुए लफ्ज हैं, मुझ पे क्या हिकमत कुल नहीं है, मैं तो सादा सा आदमी हूं, अभी तो खाशे नहीं बना, हकीम कहां बन जाऊंगा। दूसरी चीज, एक तरफ खौफ ये और दूसरी तरफ मोहब्बत का ये आलम कि अल्लाह पे वारी सदके कुर्बान हो जाए, उसकी नेमतों के नजूल पर कहे तेरे कुर्बान, मैंने आज तक जो गिले किए वो मेरे समाज ने समझाए थे मुझे, मैं तुझे ये बताता हूं, मेरी मां गलत थी, मेरे अबू जी गलत थे जिन्होंने मेरी गलत तरबियत के जरिए बताया कि तू महरूम पैदा हुआ है बेटा, मेरी अम्मी ने मुझे कहा नहीं, मेरे चांद
अल्लाह ने तुझे लाजवाल नेमतों से नवाजा है, सेहतमंद आंख, सेहतमंद कान, सेहतमंद दिमाग, सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिल, सेहतमंद हाथ, सेहतमंद पांव, सेहतमंद पेट, सेहतमंद जबान। मेरे पुत्र तू हमारे घर में आया है, मैं तेरा बाप, अल्लाह ने तुझे पहले से भेजा है, तेरे लिए रिज़्क का एहतमाम, मुझे अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी थी, मैं वो ड्यूटी दे रहा हूं, तूने भी ऐसी देनी है अपनी औलाद के लिए। मेरे पुत्र भागना नहीं है, तू भी औलाद पैदा कर, अल्लाह के गुलाम पैदा कर। अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत, मुझे पता ही नहीं कि मुझ पर कितनी नेमतों का जवाल है, कितनी नेमतें तूने मुझे अता फरमाई, कितनी नेमतें तूने मुझे दी, मुझे पता ही नहीं था। अल्लाह आज काशिफ अली सिर्फ आंख की नेमत का शुक्र अदा करने के लिए तेरी बारगाह में 12 नफल पढ़ता है, इसको कबूल मंजूर फरमा। कभी कोई नफल हुए ऐसे? अजाए जिस्मानी के नाम के कोई आप में से मुझे सच बता दे, कोई बंदा मुझे सच बता दे। चले आपको एक बात बताता हूं, आप तजुर्बा करके देख ले मेरा, आपके जिस्म का जो अजा खराब है ना, आप उसकी खैरात निकालने के लिए 2 रखते डेली पढ़े। या अल्लाह मैं गुर्दे ठीक करने के लिए तेरी बारगाह में 2 रखते पढ़ता हूं, मेरी आंख ठीक नहीं या अल्लाह मैं इसके लिए तेरी बरकत में दुआ करता हूं। या अल्लाह मेरे अब कान जाते रहे हैं, मैं कानों के लिए 2 रकत नमाज अदा करता हूं। या अल्लाह मुझे बुखार चढ़ गया, इस बुखार को दूर ले जा, मैं 2 रकत अदा करता हूं। मरे पड़े हैं बीमारी के अंदर, अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका ही नहीं किसी ने आपको सिखाया, उम्रें बीत गई, ना आप सीखने गए ना किसी ने आपको सिखाया, उम्रें बीत गई आपकी, उम्रें बीत गई, जानवर हैं। हेलो की हुआ, बुखार चढ़ गया, मैं क्या अजमल को दवाई लेनी सी, आफ्ताब को चला जाए डॉक्टर के कोलो, बड़ा वड्डा डॉक्टर, मैं 2 बोतल ही लाऊंगी तो सीधा कर देना, ये दवाइयां इलाज हो रहे हैं। हकीकी तबीब की जानिब किसी ने देखा ही ना, उससे किसी ने कहा ही ना, उसने भी कहा चल भाग ले, भाग कितना भागता है, फिर भगा भगा के किसी के नेक के हाथ चढ़ जाए तो चढ़ जाए, ना चढ़े तो आपने हालते कुफर में ही मर जाना है, ठीक है ना। उधर से सेहत गई, उधर से जिंदगी गई, उधर उधर से आखिरत में ईमान भी हाथ से गया, और दोजख का ईंधन अलग हो गए, ये दोजख तो भुगतनी थी, वो दोजख भी अब नसीब में लिखी गई मरने के बाद। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी ना चैन पाया तो फिर किधर जाएंगे। ये आपके साथ, ये मेरे साथ, हमारे साथ, हमारी माशरे ने किया है कि हम आज तक अल्लाह से डरे भी नहीं और अल्लाह से प्यार नहीं कर सके। मैंने तो कभी आज तक, मैं तो अपनी साफ बात बता दूं, मुझ पे तो अल्लाह का खौफ जो है वो अलग से है, मुझे अल्लाह का नाराज होने का खौफ ज्यादा रहता है मुझे, और अल्लाह से अजाब का खौफ मेरे अंदर बहुत कम है। ये मेरी अपनी तबीयत है, कुछ लोगों की होती है। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है मुझे अल्लाह से आग से डाले जाने का खौफ है, मुझे नहीं, मुझे अपनी बेवफाई पे ज्यादा रोना आता है, मैं वफादार नहीं हूं, मुझसे जो कहा गया मैंने वो किया नहीं आपके लिए, इतनी नेमतें खाने के बाद मैं बड़ा कमीना, बदफितरत और पस्त निकला और जलील निकला कि खाया आपका, और नमक हलाल नौकर भी ना मैं आपका बन सका। मुझे अपनी जात में इस कदर शर्मिंदगी होती है कि मैं अपना आईना बाजू का चेहरे में कई कई हफ्ते नहीं देखता कि नहीं आपका हक नहीं अदा कर सका, चेहरा देखने के काबिल नहीं, मुझे तो अपना चेहरा भी अच्छा नहीं लगता। ये आईना मुझे बताता है, देखकर कहता है कि अच्छा इतना खूबसूरत चेहरा, ये तीखे तीखे नक्श, ये खूबसूरत आंखें, ये सुनते हुए कान और बड़ी तेज चलने वाली तेरी जबान है, और उस पर ये मुलायमत और ये रंग और रूप, तुझे नक्शा आम लोग बदसूरत, और तुझे अल्लाह ने एक उनमें से एक अच्छी सूरत अता फरमाई, इन सूरतों के साथ भी तू बादशाह का गुलाम सही ना बन सका। सौदा कमारे इश्क में शीरी से कोहकन, बाजी गर्चे पा ना सका सर तो खो सका। मिर्जा रफी सौदा कहते हैं, ए मिर्जा रफी सौदा, इश्क के का जो तूने खेल थी कुमारे इश्क में शीरी से कोहकन, शीरी का जो आशिक फरहाद था वो अगरचे शीरी हासिल ना कर सका, मगर उसकी तलाश में उसने अपनी जान दे दी, जो शरायत लगाई थी खुसरो ने उसमें उसने अपनी जान दे दी शीरी के हसूल में। बाजी गर्चे पा ना सका सर तो खो सका,
कुछ तो किया उसने, जान दे दी, नहीं दीन का गलबा कर मैं सका मगर दीन की तहरीक चलाने में जान दे दी मैंने हिजरत करके। खा गए मुझको वहां के शेर चीते, एक उजाड़ बियाबान में मैं अकेला बैठा था, रात एक नाग आ गया, उस नाग ने मुझे दारुल सलाम दारुल हिजरत में डस लिया, मैं पड़ा पड़ा वहीं पे मर गया, कई दिन किसी को खबर ना हुई, और फिर मुझे वहां के मूरो मार खा गए, हां जी कीड़ियां चिमट गईं, और बदन मेरा जब तक साथी यार पहुंचे कुछ मुद्दों के बाद तो देखा एक ढांचा पड़ा हुआ था, खाली खोपड़ी थी, बाजी गर्चे पा ना सका सर तो खो सका। हजूर ने कहा था जिसने दीन बचाना है अपनी लेके चंद बकरियां वो ओहद पहाड़ की जानब निकल जाए, दीन बच जाएगा फितने का जमाना। नबी ने कहा डरो उन फितनों से, नबी ने फरमाया जो तारीकी की रात की तरह जब तुम पर छा जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा ये फितना है या नहीं है, तुम उसको अपने लिए एक बहुत बड़ा नूर और रहमत समझोगे जबकि वो फितना होगा। सौदा शीरी से कोह कन कुमारे इश्क में, सौदा कुमारे इश्क में शीरी से कोह कन, बाजी गर्चे पा न सका सर तो खो सका, किस मुंह से तू खुद को कहता है इश्क बाज के मैं आशक हूं, किस मुंह से तू खुद को कहता है इश्क बाज, ए रूह सियाद तुझसे तो ये भी ना हो सका, काले मुंह वाले तू तो ये भी ना कर सका, उस राह पे खड़ा ही हो जाता निशान बन के, ओ भाइयों इधर को अल्लाह की राह जाती है, या अय्युहल मुस्लिमून अय्युहल मोमिनून ईमान वालों ये राह इश्क ये है, आइए इस राह पे चलिए खुदा तक पहुंचिए, मैं एक मुनादी मुनादी कर रहा हूं खुदा ना दूसरे रास्तों पर ना जाइए, आइए यही रास्ता मुस्तफा का है, यही रास्ता सबीले हुदा है, यही रास्ता मुस्तकीम का है, यही रास्ता खुदा तक लेकर जाता है। आवाज ही नहीं लगा सका, सारी जिंदगी गुमराहियों की राह पर दावत देता रहा, अपनी खुदी के नशे में रहा, अपनी दिमाग की खराबी के नशे में रहा, और राहों पे सोशलिज्म पे बुलाया, नेशनलिज्म पे बुलाया, अपने वतन की तरफ बुलाया मगर इस्लाम की तरफ ना बुलाया। बदल दूंगा मैं, कर दूंगा मैं, रख दूंगा, खुदा के नाम पर लोगों को गुमराह कर दिया तुमने, और गुमराह आज तक नहीं ये मानते कि हम गुमराह हो गए हैं, गुमराह आज तक नहीं मानते, अभी तक लड़ते हैं। किस कदर बदबख्त अबू जहल दिमाग के आदमी हैं, जुबानें चलाते हैं सिर्फ दलील नहीं देते हैं। उधर उम्रे खोदी, उधर तुमने तवानाइयां और सलाहियतें सरफ कर दी, और काबिले रसूलुल्लाह की राह पर एक दिन भी ना खड़े हुए, किसी दीनी जमात के साथ हम जुड़ ही ना सके जो हकीकी तौर पर दीन का काम कर रही थी, और जमातों के साथ साथ जुड़ गए जाके, ये क्यामत के दिन अल्लाह। तो फरमाया तीसरी चीज जो है वो फिर आजजी अल्लाह के सामने हकीकी तौर पर लेके आए, झुक जाए, मोहब्बत भी पेश करे डर भी पेश करे मगर दोनों के अंदर अगर आजजी नहीं है, झुका हुआ सर नहीं, दिल नीचे को झुका हुआ नहीं, नजरें गाड़े जमीन पर शर्मिंदा खड़ा है, अगर ये नहीं है और तकब्बुर के साथ नेकियां ला रहा है ये भी कबूल नहीं है। फरमाया दिल झुका हुआ हो, तीन चीजों का ये मिक्सचर और मलगोबा, जाहरी का और तीन का बातनी का, और फिर क्या बनकर खुदा के सामने आए, बाद गुलाम, क्या बनकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहे, अल्लाह तू की बजाय अल्लाह आपसे भी बात कर सकता है, अल्लाह तू की बजाय अल्लाह आपसे भी बात कर सकता है, मैं कह दूंगा अल्लाह को, मैं कर लूंगा अल्लाह को, इतनी दिलेरी जिंदगी में ना दिखाया करें, ना दिखाएं, ये सारी जिंदगी की इबादत एक सेकंड में जाया हो जाती है, आपको तजदीदे ईमान करनी पड़ सकती है, ना दिखाएं, जबान को रोकें, अल्लाह आखरत जन्नत हूर दोजख ये पुलसरात ये आमी बातें नहीं हैं, ये ऐसी नाजुक बातें हैं, इन पर अगर उंगली उठ गई आंख उठ गई खत्म हो जाएंगे आप, ना इनके लतीफे बनाए कि जन्नत में मैं ये खुदा को कहूंगा दोजख में नरगस आएगी, ना कहें, ये कुफरिया लतीफे कुफरिया जुगतें अगर जब आप सुनते हैं तो अगर टीवी बंद नहीं किया और दोबारा आपने इनको बयान भी कर दिया तो आप काफिर हो चुके हैं, ये लिख लें, अब जो मर्जी आप मुझे कहते फिरें आप काफिर हो गए हैं।
बेअदबी दीन की ना करें, बेअदबी दीन की ना करें, बाअदब गुलाम अल्लाह के बन के रहें, हर शिर्क से पाक हो जाएं। और ये क्या हो जाएगा, ये होगा गुस्ले तौहीद करके जनाबत और नजास से शिर्क से अपने आप को पाक कर लें। ये गुस्ले तौहीद करना पड़ेगा आपको। ये आपका पहला हिस्सा, कि आधा हिस्सा मैंने पहली चीज का बयान कर दिया। अब इसका दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा हिस्सा इसी पहले अमर का, दो अमर हैं, एक पहले वाला अमर मैंने बयान किया, अब प्लस उसके साथ कुरान मजीद को तहज्जुद में बा तर्जमा ठहर ठहर कर पढ़ना, वरतिल कुरानी तरतीला, ठहर ठहर कर पढ़ना और कुरान का हक इस तरह से अदा करना, कुरान को और तहज्जुद को जमा करें और हर चीज याद कर रहे हैं आप, लेकिन कुरान को ज्यादा से ज्यादा आपको हिफ्ज होना चाहिए, बातर्जमा हिफ्ज, और कोई मुश्किल बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ये एक झूठ है कि जी मैं नहीं कर सकता, आपको कम से कम कोई दो चार पांच सात सपारे तो आने चाहिए, आप पूरा नहीं कर सकते तो तीन चार आखिरी तीन पारे तो आपको हिफ्ज होने चाहिए हर मुसलमान को। सूरह बकरा तो हिफ्ज होनी चाहिए। मेरे एक उस्ताद थे, बरेलवी थे, मुझे कहते थे, मारते मुझे पढ़ाते, तो मैंने सूरह बकरा की कहीं गलत लफ्ज किया तो मैं कहा उस्ताद जी अभी शुरू किया, कहते जालमा ये था सूरह बकरा था, ब्राह्मणा नु भी जबानी याद है, बणिए नु भी याद है, तो तेनू कि याद नहीं, यानी वो कहते हिंदुओं को भी याद है, कहते तुम मुसलमान होकर याद नहीं करते। कहते वहां एक था, किसी ने उसको बताया था कि सूरह बकरा पढ़ने से जादू नहीं होता, तो उसने आलम दीन के मुंह से सुन के आलिम रख लिया हिंदू ने, और आलिम रखने के बाद उसे याद किया, पूरी सूरह बकरा उसने याद कर ली कि मेरे घर में कम से कम जादू नहीं होगा। कहते मुसलमान कहते कि हमारे इस पोथी का पाठ करके, जो अपनी जबान में वो कहते हैं, बंदे के घर में जादू अंतर मंत्र नहीं, क्योंकि मुसलमान भी काफरों के मंत्र याद कर लेते हैं जादू से बचने के लिए। तो एक मुसलमान ने आपका मंत्र याद कर लिया तो फिर क्या पीछे हो गया। तो कहते हैं ब्राह्मण ने भी याद सी मेरे देव से, ब्राह्मण को भी याद था पंजाबी जबान, हाँ कुरान मजीद को, और कुरान मजीद का हक अदा करें। ये पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा, ये सारी चीजें करने के बाद फिर वो पूरी दुनिया के लिए दूसरा हिस्सा, हिक्म जिसको मिलती, शफीक मेहरबान रहमदिल और खैरखा हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि दीन क्या है, फरमाया अद्दीन और नसीहा, हर एक के लिए तू खैरखा हो जा, भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, यारों के लिए, कौम के लिए, अफराद के लिए, हर एक का खैरखा हो जा। खैरखाई सबसे बड़ी दीन की खैरखाई है, रुपये देना खैरखाई नहीं है, ये हल्का काम है। उन तक दीन मोहब्बत और प्यार से पहुंचा, बैसे ना कर, झगड़े ना डाल, अगर तेरी जबान कड़वियत ना अदा कर चुप कर जा, किसी और के जुमरे में डाल दे, अगर तुझमें हिकमत नहीं है तो किसी और हकीम के साथ उसको मिला दे, लेकिन उसकी खैर खाई चाह। और खैर खाई में जब तू इन्फाक फी सबीलिल्लाह करे, तो कुरान मजीद ने सूरह मोमिनून में एक बात कही है, वो मैं आपको सुना देता हूं, जो लोग अल्लाह की राह में रुपये देते हैं वो जरा समझ लें कि अल्लाह ताला ने इस सूरह मोमिनून के अंदर एक बात कही है। अल्लाह ताला फरमाते वल्लज़ीना यूतूना मा आतू आतौ वक़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिहून, जब वो अल्लाह की राह में देने पर आते हैं तो उस वक्त उनके दिल अंदर से सदका करते, जकात देते, खैरात देते, खामोशी से सदका देते हुए अंदर से अल्लाह के खौफ से दिल कांप रहा होता है। यह सदका किसी भाई ने दिया हो तो मुझे जरूर आके बताए कि वो मेरे पास जब लेकर आया था तो अल्लाह के दिल से कांप रहा था, आके पैसे पकड़ा दो जी, ऐसे कर दो, ना हाथ में खौफ, गाने लगाए, दूसरे पर टेलीफोन हाथ में पकड़ा हुआ, सदका हो रहा है जी, हैं जी बाबा भाई मांग रहा है, कानू टेलीफोन अला फट चल बंद कर, साथ ही गाड़ी ऊपर, ये सदके हो रहे हैं भाई। आप कहते हैं ना सदका, तो आप कहते लगता मैंने सदका दिया पर फिर भी एक्सीडेंट हो गया, आपने सदका दिया ही नहीं।
आपने खैरात की नहीं, सदके का, खैरात का, ज़कात का, उशर का, कुर्बानी का, कोई भी चीज सदका है, ये उस सदके की किस्म है, कोई भी नफली सदका है या फर्जी सदका है, तो आप दे रहे हैं। अगर अंदर आपका दिल रो नहीं रहा था कि या अल्लाह मैं तो तुझसे डर कर दे रहा हूं, मुझे बख्श नहीं सदके की वजह से, अल्लाह ये मेरा हकीकी वो माल नहीं है जो उसको फौरी कबूल कर दिया जाए, इसमें मिलावट है, लेकिन अल्लाह मैं मुझे जालिम, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है, लेकिन मेरे पास अब यही है, मैं तुझको खुश करने के लिए, तेरी रजात को चाहने के लिए, मतलब घर से निकलते को जाकर मस्जिद में दो रखते पढ़कर कभी सदका निकाला? नो 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 नो। इस वजह से फिर मुझे पीटते हैं आप कि मैंने ये किया तो ये नहीं हुआ, आपने वो किया ही नहीं, रिक्वायरमेंट पूरी की ही नहीं, तो फिर आपके साथ यही होना था। इंटरनेट की तार जो आती है हमारे पास इस कदर नाजुक है कि मामूली सी इस तरह बेंड हो जाए ना तो उसकी एक आध तार अंदर से कट जाती है, बस उस एक तार का कटना है पूरा इंटरनेट खराब हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, मशीनें लाते चेक करते हैं, वो इतनी नरमो नाजुक, इस कदर ब्रीक, मैंने कहा इस कदर बारीक है, तो मैंने कहा अच्छा तो वो कट जाए तो नेट नहीं आता, तो ये दिल से आप इसका नेट चलाना चाहते हैं? इस तरह नहीं मेरी जान, इस तरह नहीं होना ये आपसे। तो अल्लाह फरमाते हैं और वो जब कुलूबुहुम वाजिलतुन, दिल उनके कांप रहे होते हैं, कांप रहे, कांपे दिल के रिजेक्ट ना हो जाए, उठाकर फेंक दिया ना जाए, कांपे दिल, ये गुनाहगार का सदका है या अल्लाह, गुनाहगार का सदका, नेकोकार का सदका बंद बंद ना दे, नेकोकार ना बंद बंद कर दे रहे यार 10 रुपये काटे बार, तो ऐसा सदका ना दे, छोड़े बिल्कुल ही ना दे, बंद कर दे, ना देना बेहतर है, आप ना दिया करें सदका, छोड़े ये आपके बस की बात ही नहीं है, बस की बात ही बड़े लोगों की बात है, ठीक है ना, आप ये भी कह के कह कि मेरे बस की बात ही नहीं है, अल्लाह पकड़ के तेरे बस सी, तू दिता नहीं इस तो जन्म चल, तू काशिम की गल क्यों मानी, मेरा कह के बहाना, आपको बहाने मुझसे लें, मैं आपको देता हूं, यहां गुजारा करने के लिए बड़े बहाने हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे लॉलीपॉप है मैं आपको दे दूंगा, रंगा रंग के मजे मजे के लॉलीपॉप मुझसे ही ले लें, बस मुझे जरा महाना चंदा भेज दिया करें, उससे फिर जरा चलो मरकज चलाना है, क्या करें, ठीक है ना। तो यह है फरमाया अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और उनके दिल में यह बात होती है कि अपने अल्लाह की तरफ मैंने लौट कर जाना है, जैसे ये सदका लौट कर जा रहा है ना, सदका लौट कर जाता है आपको पता है, क्योंकि ये अल्लाह ने आपको माल दिया, आपने दोबारा अल्लाह को दे दिया, जब आपने वापस लौटाया तो आपने ये भी दिल में रखा कि मुझे भी एक दिन आपके पास आना है, ये माल पहले आ रहा है, इस माल को जन्नत में इन्वेस्ट कर दें, मैं आपका वहां से आके ले लूंगा, क्योंकि आप तो अपने बारे में अपने वादों से फिरने वाले नहीं है, इन्ना अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, ये उसके दिल में होता है। अगर तो ये सदका आप दे रहे हैं और ऐसे ये, तो फिर तो आप बिला शुबा सदके की कोई बात कर सकते हैं। तो राह खुदा में दिल से डरने वाला, अब ये सारी चीजें हो जाती हैं, आप नमाजें भी पढ़ लें, अब चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि जो लोग ज्यादा जाहरी चीजों पर जोर देते हैं ना, वो उतनी बातनी चीजों से गाफिल होते हैं, खुशबू जिसकी वजह से नहीं आता। नबी ने यह कहा था कि जाहरी तरीके पे जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे वहाबी बन के अदा कर दो, नहीं नबी अली नमाज की दाओ दसो, नहीं ऐदा ना करो फिर नबी अली नमाज दसो, नबी अली नमाज ऐदा नहीं सी कि नबी अली तू पढ़ ही नहीं सके आज तक, अल्लाह ताशा कहनी है तेरे नबी के दिल में हांडी सी आवाज खा खा के बाहर निकलते आंसू कर 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 दी आवाज कोल बैठी बीवी नू आंदी सी, नबी के पांव में वर्म आ जाता था, नबी की नमाज पूछते हैं आप उससे, नबी का जिस्म कांपता था, नबी रात को सारा दिन का थका आपसे ज्यादा थका हुआ होता था, सिर्फ 2 घंटे के लिए उठता था, रात में 3 बार तहज्जुद अदा करते थे रसूल अल्लाह, 3 बार आप एक बार नहीं उठते, 3 बार आपका नबी तहज्जुद के लिए उठता है, और 7 सपारो जितना रुकू करता है, 7 सपारो जितना क्याम करता है, 7 सपारे ही नबी सजदे में बैठता है, 7 सपारो की तशहुद पढ़ता है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का रुकू और सजदे, नबी आप क्या बातें कर रहे हैं मुझसे, क्या पूछना चाहते हैं आप,
ये है सल्लू कुमार आई तो मुनी उसली, वरना नमाज तो खवारज भी बहुत अच्छी पढ़ते थे। नबी ने कहा लेकिन वो दीन से निकल जाएंगे, तुम अपनी नमाजों को उनकी जाहिरी नमाजों के सामने हल्का पाओगे, तुम कुरान पढ़ोगे वो तुमसे अच्छा कुरान पढ़कर सुनाएंगे। काशिफ साहब को तजवीद नहीं आती। हाँ जी मुझे वाकई नहीं आती, तुम पढ़ रहे हो ना तजवीद से, मुझसे ज्यादा अच्छा कुरान है, जरा देख लेना बस इतना सा। काशिफ का हलक से नीचे उतरा हुआ है और तुम्हारा हलक के ऊपर ही अटका हुआ है। मेरे और तेरे कुरान का फर्क है मेरी जान, ये तो हशर के दिन इंशाल्लाह तुझे मैं वहां घसीटूंगा ना। समझ गए, हलक से नीचे उतरा हुआ कुरान चाहिए। ये है सल्लू को माराई तो मुनी सल्ली, जहरी नमाज मसनून अदा करने वाला रह दिल नहीं है खलके खुदा पर। आप कहते यार कितना सफाक है, नमाजी भी है। और अब उधर देख लें कि जिक्र करने वाला, अब जिसका बातन ठीक है उसका जहर ठीक नहीं, यह भी आप है कि एक आदमी जिक्र करने वाला इंसानियत के साथ रहम दिल नहीं, और जो रहम दिल है वो जिक्र नहीं करते, वो अल्लाह के हकीकी जाकर नहीं है। आप जितनी भी एनजीओज बनी है, खाने खिला रहे हैं, है? वो उधर मसनून पर नहीं, ये मसनून पर है और उधर नहीं, ये मसनून पर। और रहम दिल नरम जाहरी देख लें बरेलवी और शिया, लेकिन मसनून नहीं है। और वो जो है जाहरी नमाज मसनून अदा करते हैं खारजी और वहाबी सख्त किस्म के मुजाहिदीन, ये रहम दिल नहीं है, जिबा कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये जहन में रखे आदमी कि जिस रहीम रब से वो सवाल कर रहा है ना, वो तो अपने दुश्मनों को भी रोटी देता है। ये जो नमाजें पढ़ने वाले हैं ना, ये इनसे मेरी गुजारिश है, हजूर आप कहते हैं या रब्बे रहीम मुझ पे रहम फरमा, अल्लाह ने फरमाया मैं तो अपने दुश्मन को भी रोटी देता हूं, तू तो अपने भाई को भी नहीं देता, तू तो अपने भाई को भी नहीं देता, तू तो उसको भी नहीं देता। मैं आपको ये वो जगह बता रहा हूं, याद रखें शैतान इंसान की उस जगह से हमला करता है जिस जगह को इंसान सबसे ज्यादा महफूज समझ रहा होता है। इधरों तो मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कोई गुजना नहीं आज तक किता काश साहब, बस ऐ तो अल्लाह हाँ कह रही मुझे जजा मिलूगी, हजे तक नहीं किया, जरा ठहर जा करके ही मरेगा। हर कोई तो हाजी बना फिरता है, हर कोई तो हाजी बना फिरता है। मैं कहता हूं पता नहीं कैसे कैसे गुमानों में लोग मुबतला, मैंने 3 हज किए हुए, मैं 24 उम्र किए हुए, मैं कुरान पढ़ता हूं, मैं तो ऐसा। वो कहता है इधर से आपने सेफ कर लिया है। हां जी मैंने इधर से सेफ कर लिया। आप कहते इधरों आना है, वो फिर इधरों ही होता है, उसको पता है नकब वहां पर लगाओ जहां महफूज की है। वो बेवकूफ है कि वो उस जगह से आप पर हमला करे जहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको पता है कि इससे इस जगह को महफूज किया कि इधर से आना है। वो कहता खिड़की से आएंगे, दीवार में शगाफ बनाकर आएंगे और तुम्हें हक्का बक्का करेंगे। हक्का बक्का करना ही जो ना करे वो शैतान नहीं है, हैरत में ना डाले वो शैतान नहीं है, जो आपको परेशान ना करके रख दे वो शैतान नहीं है। हाँ शैतान तो कहते ही उसको है जो बंदे की वहां से रखकर सन और नकब लगाए कि जहां से बंदे को ख्याल ना, आपको लगता ही नहीं कि वो यहां से जमीन के अंदर से आ जाएगा, आ जाएगा। उसने कहा कि फिर मैं करूंगा वहां वहां से हमले, ये दाएं करो के गा हम आएंगे बाएं से, और ये ऊपर से रोकेगा हम आएंगे नीचे से, ये आगे से रोकेगा तो मैं याल्ला हमला करूंगा पीछे से। अल्लाह ने कहा क्या ये दाएं बाएं देख रहा होगा वो पीछे से हमला कर देगा, ये आगे पीछे करके देख रहा होगा वो दाएं बाएं से हमला कर देगा, ये दाएं बाएं और आगे पीछे को देख रहेगा वो ऊपर पीछे से हमला कर देगा। अल्लाह ने कहा ले फिर के इसको कौन पकड़ सका है कि खिजर भी बेदस्तो पा, इलियास भी बेदस्तो पा, मेरे तूफान दम ब दरिया ब दरिया यू बजू, मेरे तूफान यम ब यम दरिया ब दरिया जू बजू, नदियां नाले झीलें समंदर दरिया, मैं तो देखता हूं कि बहता किस जगह पर है,
दरिया से आता तो दरिया बहा देता हूं उसको बहाने के लिए तकवे का, और समंदर का तकवा लेकर आता है तो मैं समंदर जैसी शैतानियत लाके समंदर को समंदर से लड़ा देता हूं, और किसी नदी नाले का छोटा मोटा जाकर मौलवी खतीब है तो उसको मैं उस छोटी मोटी नदी नाले से उड़ा देता हूं। मेरा क्या है, मेरे सामने तो खिजर भी बेदस्तोपा, इलियास भी बेदस्तोपा, तकवे के बड़े बड़े मनाजर मेरे से हट जाते हैं। अल्लाह, ये है वो चीज जिसके जरिए से जब तक ये चीजें एक आदमी को मयसर नहीं हो जाती वो खाशे नहीं बन सकता। सिर्फ खाशे का सफर अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऐसा नादर मौका आया है, मैं हैरान हो गया हूं। उधर से मेरे खुतबे हिकमत के खत्म हो रहे हैं और मुझे हैरत हुई कि आज यकम मार्च है और 40 दिन की तपस्या है, आज शुरू करता है तो 13 अप्रैल को जाके ईद है। 40 दिन में आदमी अपने नफ्स को ढाल के तोड़ के खटाली में तहज्जुद और इसके कुरान में डाल के ऊपर रखे होने रोजे, सिदके मकाल, रिज़्क़े हलाल पहले ही माहौल तैयार हो गए, इन 40 दिनों के अंदर बंदा खाशे बन सकता है। मौका नादर आ गया, मौके पे ही आ गया। मैं तो अल्लाह की मेहरबानी समझता जिसने ये मौके बनाए, खुतबे पहले भी खत्म हो सकते थे, दो सियासी खुतबे दरमियान में देने पड़ गए। ऐसा अल्लाह ने माहौल क्रिएट किया कि 40 दिन की जो मुजाहदा होता है ना उस पर तो सारा माहौल तैयार हो चुका हुआ है, जहन तैयार हो गया कि रमजान आ रहा है, इसमें तहज्जुद रोजे की इफ्तारी कम, इसमें सहरी कम, रिज़्क़ के हलाल से इफ्तारी सहरी है जी, सॉरी ओवर सहरियां खत्म, ओवर इफ्तारियां खत्म, उधर से पूरा माहौल पूरी यानी सारा सारी कायनात मिलके मुआवन हो गई आदमी की, पूरा टाइम एंड स्पेस आपका मुआवन हो गया। वरना टाइम एंड स्पेस बनाना पड़ता है जो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है।